सैन्य हथियारों और धन की कमी का सामना कर रहा यूक्रेन लंबे समय से युद्ध के मैदान में बैकफुट पर चल रहा था। बीते शनिवार उसे अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से 61 अरब डॉलर के मदद की मंजूरी मिल गई। जिन हालातों में यूक्रेन को मदद मिली है वो उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने फैसला लेने में काफी देरी तो कर दी, लेकिन ये तय हो गया कि यूक्रेन को मदद मिल गई है और जल्द ही उसे सैन्य हथियार भी मिलने शुरू हो सकते हैं। अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने प्रमुख गढ़ों को बचाना है। दरअसल रूसी सेना यूक्रेन के डोनेट्स क्षेत्र में अवदीवका पर कब्जा करने के बाद लगातार आगे बढ़ती जा रही है और वो चासी व्यार पर हमला कर रही है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को विजय दिवस से पहले चासी व्यार पर कब्जा करना चाहते हैं। अब यूक्रेनी सेना पुतिन के अरमानों पर पानी फेरने में कितनी सफल या विफल होती है ये तो सैन्य हथियारों की डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अमेरिकी मदद से यूक्रेनी सेनाओं का मनोबल जरूर बढ़ा है। बावजूद इसके यूक्रेन की जीत पर संदेह अभी भी कायम है। यूक्रेनी विश्लेषक और यूक्रेनियन युद्ध अनुभवी विक्टर कोवलेंको ने कहा कि अमेरिकी पैकेज निश्चित रूप से यूक्रेन की मदद करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन युद्ध जीत ही जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को भले ही 61 अरब डॉलर की अमेरिकी सहायता मिली है, लेकिन रूस द्वारा कब्जाई गई जमीनों को वापस पाने के लिए उसके पास ट्रेंड और मोटिवेटेड मैन पावर की कमी है। अधिक प्रशिक्षित लोगों को संगठित और प्रशिक्षित किए बिना अपनी जमीन पर दोबारा कब्जा पाने के लिए सक्रिय लड़ाई के बिना यूक्रेनी अमेरिकी सहायता पैकेज को बर्बाद कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों और गोला बारूद सहित अमेरिकी सहायता पोलैंड और यूरोप के डिपो में पहले से ही पैक है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उसके सैनिकों ने मारिंका और वोलेदर के बीच मोवो मिखाइवी लिवका पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने भी सोमवार को कहा कि रूसी सेना हाल ही में डोनेट्स्क ज़ापोरोजिया ओब्लास्ट सीमा क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कोवलेंको ने कहा कि पुतिन पूरे पूर्वी डोनबास पर कब्जा करने का लक्ष्य बना रहे हैं। उन्होंने रूस की एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति की तरफ भी ध्यान खींचा और कहा कि रूस धीमी गति से आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करता है और इससे वो यूक्रेनी सैनिकों को व्यस्त रखने और उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसी रणनीति से वो यूक्रेनी सैनिकों को अपनी जमीनों को वापस पाने में विफल करने में सफल रहता है। सिक्योरिटी फर्म ग्लोबल गार्डियन के सीनियर इंटेलिजेंस एनालिस्ट जे फेंटच ने कहा कि यूक्रेन अभी अमेरिकी मदद डिलीवर होने का इंतजार कर रहा है और इसके बाद वो क्रीमिया को अलग थलग करने और रूसी तेल और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सप्लाई डिपो पर हमला करने की कोशिश करेगा। रूस को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो डोनबास के और अधिक हिस्से को कब्जा करने की कोशिश जारी रखेगा। हालांकि यूक्रेन और उसके सहयोगियों को उम्मीद है कि अमेरिकी सहायता मिलने से यूक्रेन को मजबूती तो मिली है, लेकिन उसे भविष्य में रूस के खिलाफ आक्रामक अभियानों को फिर से शुरू करने और खोए हुए क्षेत्रों को फिर से हासिल करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग बिल की भी जरूरत होगी।